अभी हाल के दिनों में पलामू जिले का जो मुरू मातू गांव है, जिसे महादलित परिवारों का गांव कहा जाता है, उस गांव वह गांव जो है वह खबरों के केंद्र में था। दरअसल हुआ यूँ था कि वहां जो महादलित परिवार के लोग यानी कि मूसर जाति के लोग थे, उनके पूरी आबादी को एक विशेष समुदाय के द्वारा उजाड़ दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश भर में यह खबर सुर्खियां बनी थी और उसके बाद लगातार राजनीतिक महकमे में इसकी चर्चा हो रही थी और जिला प्रशासन ने भी गंभीरता से इस मामले को संज्ञान में लिया था। उसके बाद मजदूरों के लिए, मूसर समाज के लिए, दलित आदिवासियों के लिए काम करने वाले मजदूर नेता राजीव कुमार भी सामने आए और मूसरों समेत दलितों, आदिवासियों और हरिजनों की आवाज़ को और पुख्ता तरीके से उठाने के लिए उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की है। झारखंड राज्य दिहाड़ी मजदूर यूनियन के बैनर तले आज टाउन हॉल के कैंपस से मजदूरों, दलितों और मूसर जाति के लोगों का विशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस नारेबाजी करते हुए कलेक्टेरिएट यानी कि समाहरणालय पहुंचा और समाहरणालय में प्रदर्शन के बाद, इन तमाम लोगों के आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के बाद आज सब लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और दिहाड़ी मजदूर यूनियन के लगभग 8 लोग अनशन कर रहे हैं और यह अनशन इन लोगों का अनिश्चितकालीन है। दिहाड़ी मजदूर यूनियन के जो महासचिव हैं, जिन्होंने इन तमाम लोगों को एकजुट करने का काम किया है, उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में बताते हुए बताया कि आप यहां पर देख सकते हैं कि पलामू जो है वो महाकाल की चपेट में आ गया है, तो दिहाड़ी मजदूर यूनियन का ये जो मांग है कि अकाल क्षेत्र घोषित कर सभी लोगों को राहत प्रदान की जाए, सभी जो बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता की मांग इस कार्यक्रम के जरिए, इस अनशन के जरिए की गई है। साथ ही साथ निगम क्षेत्र में तालाबों के जो अतिक्रमण का जो मामला है उसे मुक्त करने की भी मांग की गई है। उज्ज्वला योजना के जो गैस सिलेंडर है उसे मुफ्त रिफिलिंग कराने की मांग इस संगठन की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा जो बड़े पैमाने पर पलामू जिले में दलितों की ज़मीन, आदिवासियों की ज़मीन और मूसरों की ज़मीन को बंदरमाट किया गया है, अलग अलग तरीके से छीन लिया जा रहा है, उन तमाम ज़मीनों को वापस दिलाने की मांग इस कार्यक्रम के जरिए किया जा रहा है। लोगों को ज़मीन देना होगा, जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। पलामू को अकाल क्षेत्र घोषित करो।